नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जिनका भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उस सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का निधन 14 नवंबर 2023 को हो चुका है, जिसके बाद न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप तक शेयर की जा रही है। लेकिन एक ऐसी जानकारी जो मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बाद जिन भी जमाकर्ताओं का पैसा जमा है सहारा इंडिया के अंदर, उनको ये सच्चाई पता चलेगी तो अलग अलग रिएक्शन देंगे, मुझे पता है। और इसी के लिए आपको वो जानकारी जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर सुब्रत राय का ये चेहरा भी आपके सामने आना चाहिए, जो कि न्यूज़ के द्वारा आपको नहीं दिखाया जा रहा है। पूरे देश के 12 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, अभी तक का यही अपडेट है, और उन्हीं के लिए ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आपको बता दूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2012 में आदेश हुआ था पैसा वापसी के लिए, उसके बाद आपका पैसा कन्वर्ट किया गया। अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट करने से पहले इन्होंने क्या किया था, आपका क्यूशॉप में कन्वर्ट किया था, जिसके बारे में एजेंट बताते हैं कि जमाकर्ताओं से कोई साइन भी नहीं लिया गया था और कन्वर्ट कर दिया गया। और इसी के दौरान क्यूशॉप के बारे में जब शिकायत मिलने लगा, तो एक एजेंसी है, जांच एजेंसी SFIO, यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और उसी के द्वारा ये जांच कंडक्ट कराया जा रहा था। और फरवरी 2022 में जब इसकी जानकारी लगी, जब पटोरी समस्तीपुर बिहार के अंदर, जहाँ की मेरा गांव है, वहाँ मुझे सहारा के बारे में पता चला कि इस तरह का ब्रांच चल रहा है, तो पहले से मुझे पता था कि सहारा इंडिया बंद हो चुका है, और इसके बारे में छानबीन की, तो छानबीन करने के दौरान जो हमारे पास तथ्य आया था, तो उसी समय हमने क्या किया था, 17 फरवरी 2022 को, 16 फरवरी 2022 को हमने शिकायत विभिन्न अथॉरिटी को भेज दिया था, भारत सरकार, बिहार सरकार, सबको भेज दिया था। उसके बाद 17 फरवरी 2022 को एक पोस्ट लिखा था और साथ ही YouTube पे वीडियो बना करके और Facebook पे वीडियो बना करके आप सभी को जानकारी दी थी, और उसी के साथ ये जानकारी हमारे पास आई थी, जिस जानकारी को मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपका जो पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ था, उसके बारे में सहारा श्री सुब्रत राय की कंपनी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं इसको, क्योंकि आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। ये वाला पोस्ट हमने लिखा था वहां पे, सहारा इंडिया में जमा पैसा कब मिलेगा, 2023 अभी कर दिया है, पहले 22 लिखा हुआ था, और पटोरी में सहारा इंडिया का सच, इसी पोस्ट में ये वाला हमारे यहाँ ब्रांच ये वाला रन कर रहा था सहारा इंडिया का, ये देखिए वही वाला फ़ोटो है, और इसमें हमने एक एक जानकारी आप सभी लोगों तक शेयर की है, और उस समय काफ़ी ये पोस्ट वायरल हुआ था। और जहाँ जहाँ देखिएगा यहाँ पे हाइपर लिंक मैंने लगा रखा है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे 17 जून लिखा हुआ है कि रोक लगा दिया गया था, जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा तो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा, उसके आप चेक कर सकते हैं। नीचे लाइसेंस रद्द होने का है लिखा हुआ ब्लू रंग है, इसको क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ से भी डॉक्यूमेंट जो जानकारी दी गई है, यानी कि रद्द होने वाली, वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे या मोबाइल पे। और इसी पोस्ट के नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमने आगे जो जानकारी दी है वो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे RBI का क्या नियम है बैंक चलाने का, उसके बारे में है, सोसाइटी के बारे में क्या कहा गया है, और रिजर्व बैंक ने जो एक चेतावनी जारी किया था 22 नवंबर 2021 को सोसाइटी के बारे में, जो पैसा जमा करवा रहे हैं उनके बारे में, उसका प्रूफ यहाँ पे दिया है। और साथ ही यहाँ पे एक देखिए नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट है, सहारा ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों से 50,000 करोड़ जुटाने और इस पैसों का गबन का आरोप, और ये किसने लगाया था, तो गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय, जो कि मैंने SFIO, और इसी न्यूज़ को अगर आप खोलिएगा तो इसमें जो लिखा हुआ है काफ़ी चौंकाने वाला है, सहारा इंडिया पर 50,000 करोड़ के गबन का आरोप लगा और इसमें कंपनी ने क्या कहा है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये वाला पोस्ट पे आइएगा, मैं इसका लिंक थोड़ी देर में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आकर के खुद से इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि सहारा ग्रुप ने 50,000 करोड़ रुपये गबन का आरोप पर सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि वह निवेशकों की एक एक पाई पाई वापस, एक सेकंड थोड़ा सा ब्लर हो गया है, हाँ
कंपनी का कहना है कि वह निवेशकों की एक एक पाई पाई वापस कर चुकी है और इन आरोपों में कोई दम नहीं है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी कि SFIO ने सहारा ग्रुप की कंपनियों पर निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपया जुटाने और फिर इन पैसों का गबन का आरोप लगाया है। कहने का मतलब, कंपनी ने कहा है कि उसने सभी निवेशकों का पैसा चुका दिया है। सहारा इंडिया ने एक बयान में कहा कि उस पर लगाया गया 50,000 करोड़ रुपये गबन का आरोप सही नहीं है, हमारे पास इसके सबूत है, जब हम सारा पैसा वापस कर चुके हैं तो फिर गबन और हेराफेरी का सवाल कहां से पैदा होता है। SFIO सहारा की कंपनियों के खिलाफ इस कथित धोखाधड़ी की जाँच कर रहा था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। अब इसको समझने के लिए आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि ये जो कहा गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा गया था सहारा की कंपनी के तरफ से, जब SFIO का जो जांच चल रहा था उस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, तो उसी को रोक हटाने के लिए SFIO माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया था। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि देश के किसी भी जमाकर्ता को क्या सहारा के द्वारा पैसा वापस किया गया है या नहीं किया गया, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहने का क्या मकसद था, इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, काफ़ी शॉर्टकट में समझाऊंगा। अब असल में क्या हुआ, आप लोग का जो पैसा कन्वर्ट किया गया तो उस समय इन्होंने एक पेपर और साइन करवा लिया कि जैसे आपने सहारा में पैसा जमा किया तो जब कन्वर्जन कर रहे थे तो उस समय एक पेपर आपसे साइन करा लिया कि हम सहारा से पैसा पा गए हैं, और फिर दूसरा पेपर साइन किया कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, एक तरह से आपने सहारा को जो कागज़ लिख करके दे दिया कि हम पैसा पा गए हैं, उसी के दम पे ये कह रहे थे कि हमने जमाकर्ताओं का पाई पाई चुका दिया है। हालांकि आपको पेपर से पेपर बदल दिया गया और इसी की जाँच SFIO कर रहा था। अब आप इसके बाद जानना चाहेंगे कि इस जांच के बाद क्या हुआ, तो इस जांच को अलाउ किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और हमने उस समय पूरे देश को बताया था 2022 में कि इस तरह का अगर सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लियरेंस मिल जाता है तो सिटीलाइन पकड़ लेगा, भाग जाएगा इस तरह का। और उसी समय हमने माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हजारों चिट्ठी पूरे देश से भेजा था, लोगों से भिजवाया था, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाँच अलाउ कर दिया, मतलब जो दिल्ली हाई कोर्ट का रोक लगा हुआ था उस जांच को अलाउ कर दिया गया। अब आप पूछेगा उस जांच के बाद क्या हुआ, तो उस जांच के बाद और दिल्ली हाई कोर्ट में जो एक आदेश आया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को आप लोग क्लेम कीजिए, और लाखों शिकायत जब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाने लगा तो अमित शाह जी ने इसके बीच एक खेल खेला। क्या खेल खेला उसको समझिए। अब इसके लिए आपको 18 जुलाई 2023 का फिर से जा करके एक बार अमित शाह जी का वीडियो देख लीजिएगा, मुझे सुनने के बाद पहले मुझे आप सुन लीजिए। तो उन्होंने खुद कहा कि भाई लोगों का पैसा नहीं मिल रहा था। अब लोगों का पैसा इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि देखिए फाइनेंशियल फ्रॉड जो होता है यानी कि वित्तीय इस तरह का फ्रॉड होता है तो कहीं ना कहीं पेपर पे धोखा होता है, पेपर के द्वारा ही ये सारा फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया। गरीब लोगों को नहीं पता था, पेपर पे साइन करवा लिया गया कि हम पैसा पा गए हैं और यही वाला सबूत सुब्रत राय अपने पास यानी कि उनकी कंपनी रखे हुए था, और इसी के वजह से लोगों का पैसा नहीं मिल रहा था। क्योंकि आप कंप्लेन आप सहारा वाला पे करते हैं, इसने पुठा उठा करके पैसा क्यूसॉप में कर दिया, उसके बाद उठा करके सोसाइटी में कर दिया। कहने का मतलब, ए व्यक्ति ने आपका पैसा चोरी किया, आप ए व्यक्ति पर FIR करते हैं तो उसने पैसा किसको दे दिया, बी वाले को, फिर बी वाले पे करते हैं तो सी वाले को, तो ऐसे ऐसे करके खेल चल रहा था। और अमित शाह जी को सुनिएगा तो उन्होंने यही कहा है कि लोगों का पैसा नहीं मिल रहा था, कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा देर लगता है और इसी के लिए हमने क्या किया, सभी को एक साथ बैठाया, यानी कि ED, RBI, SFIO का भी नाम लिया है जिसकी जिक्र मैं कर रहा हूँ, वही एजेंसी जांच कर रही थी और वहाँ मैं गया भी था ऑफिस में, वहाँ भी जाकर के शिकायत दे करके आया था। तो उनका यही कहना था कि हम तो जो जाँच करेंगे जाँच रिपोर्ट सरकार के पास रखेंगे, और एक तरह से सरकार के पास वो रिपोर्ट वगैरह रखा गया था। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए था उसके ऊपर कार्रवाई करना, कार्रवाई नहीं किया गया और बीच का रास्ता निकाला गया, जैसा कि अमित शाह जी खुद कहें। और बीच के रास्ता में यही हुआ कि आपको 5,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाता से आपको दिलाएंगे, जबकि वो पैसा पहले से ही सरकार के पास था। और उस पैसे के बाद ये जो 50,000 करोड़
का जो फ्रॉड हुआ वो अलग से हुआ था, तो इसकी चर्चा उन्होंने उसमें नहीं की। और जो सेबी के पास पैसा आपका जमा था, आप पूछेगा सेबी के पास आपका पैसा कैसे जमा था, तो जब 25,000 करोड़ 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को यानी कि उसकी कंपनी को जमा कराने के लिए कहा था सहारा सेबी रिफंड खाते में, तो उस समय मात्र 15,000 करोड़ ही उसने जमा किया था, बाकी 10,000 करोड़ जमा नहीं किया, इसी की वजह से वो जेल गया था। तो वही 15,000 करोड़ वो था, कुछ अपना पेरोल बढ़ाने के लिए 2,200 करोड़ के आसपास जमा किया था, 17,000 करोड़ हो जाता है, और वही बढ़ करके सूद वगैरह 25,000 करोड़ जो कि उसमें जमा था उसी में से 5,000 करोड़ ये मांग करके सुप्रीम कोर्ट से ले आते हैं ताकि उनका इलेक्शन किसी तरह निकल जाए, जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं। अब इन्होंने बीच का जो रास्ता निकाला, दोनों के बीच क्या रास्ता निकाला गया ये ना तो हमको पता है ना आपको पता है, क्योंकि नोटिफिकेशन उसका कहीं जारी नहीं किया गया है कि किस शर्त पे आपको पैसा मिलेगा। हालांकि उन्होंने भरवली कहा था कि 10,000 हम पहली बार देंगे, बाकी पैसा कब देंगे ये बात उन्होंने नहीं कहा अपने भाषण में, लेकिन ये बात उन्होंने कब कहा तो पार्लियामेंट के अंदर, और जिसका भी जानकारी हमने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको दिया था और साथ ही ब्लॉग पे उसका कॉपी भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बाकी पैसा है वो उपलब्धता के आधार पर देंगे, यानी कि पैसा होगा और तब देंगे। और ऐसी स्थिति में सुब्रत राय का निधन हो जाता है और आपका पैसा एक तरह से अटक जाता है, जैसा कि न्यूज़ में बहुत सारे जगह बताया जा रहा है, लेकिन आपको कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पोर्टल के माध्यम से ही पैसा मिलेगा, लेकिन हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से पैसा कब तक मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। कब तक मतलब क्या, जैसा कि उन्होंने 45 दिन कहा था, 45 दिन में पैसा नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बीच में कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो मैक्सिमम जो टाइम है कहीं नहीं बताया हुआ है, कोई ऐसा पेपर हमको दिखा दीजिए जिसमें कि मैक्सिमम टाइम बताया हुआ है। और इसी के लिए हम पिछले एक साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में हमने मोदी जी को एक पत्र लोगों से भिजवाना शुरू किया है, हमने भी भेजा है उस पत्र को, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उसका दबाव है, और दबाव है इसीलिए उसको लोगों को ये बता करके वापस किया जा रहा है, क्लोज कर दिया जा रहा है कि ये अभद्र भाषा में, जबकि कोई भी लानत शब्द को अभद्र कह करके दिखा दे तो हम मान लेंगे, ऐसा कोई भी शब्द उसमें नहीं लिखा हुआ है जो कि अभद्र के श्रेणी में आता हो। और एक साथी ने आज ही फ़ोन करके बताया कि चौकीदार शब्द पे उनको आपत्ति है, तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि मैं भी चौकीदार, और तो और फेसबुक पेज और अपने ट्विटर पे भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार करके लगाया था। खैर एक अलग बात हो गई, लेकिन एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि इससे स्पष्ट होता है कि नहीं होता है कि पूरे देश के साथ सुब्रत राय ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, और ऐसी स्थिति में उनकी उनके लिए जो लोग आंसू बहा रहे हैं मेरी नज़र में कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसा है, या फिर कहीं ना कहीं उनसे फ़ायदा लेने वाले लोग ही उनके लिए आंसू बहा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप में से किसी को पैसा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया कि आपको पैसा दे दिया गया है। अब जो लोग क्लेम कर रहे हैं, आँख बंद करके क्लेम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसका, कोई पेपर नहीं सरकार की तरफ से जारी किया गया है, तभी तो 100 लोग क्लेम कर रहे हैं तो उसमें से 90 लोगों का रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको कदई सुझाव नहीं दूंगा कि जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है वो जाकर के क्लेम कीजिए, बल्कि मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि जब तक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए तब तक क्लेम नहीं कीजिए, और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि न्यूज़ वाले की भी नज़र इस वीडियो पे पड़े और सुब्रत राय का ये वाला चेहरा भी कम से कम न्यूज़ वाले दिखा सके। और ये जो नवभारत टाइम्स का जो न्यूज़ है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप भी खुद से पढ़ सकते हैं और जान लीजिए आपके साथ फ्रॉड जो हुआ है कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम के सपोर्ट से हुआ है, उनके सहयोग से हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि जी न्यूज़ के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी को 5,000 करोड़ रुपया माफ़ किया गया। ऐसी स्थिति में वो आपका न्यूज़ क्यों दिखाएंगे, एक बड़ा सवाल होता है, लेकिन ये जो लड़ाई है आपको कंटिन्यू लड़ना पड़ेगा, तभी जा करके आपका पैसा मिल पाएगा, सभी लोगों को मिल के लड़ना होगा, केवल एक मेरे लड़ने से, केवल आपके लड़ने से
पाँच दस 200-500 आदमी के लड़ने से नहीं होगा, क्योंकि एक एक आदमी का 14-14 लाख है, किसी का 20 लाख है, किसी का 7 लाख है, किसी का 8 लाख है, और जिनका 10-20 हज़ार रुपया है, हो सकता है पोर्टल के माध्यम से उनको मिल जाए। हम ये मना नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पोर्टल पे भी क्लेम करने के बाद कितने परसेंट लोगों को पैसा मिल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि नियम कानून का कोई जो नोटिफिकेशन है कि किन लोगों को कैसे अप्लाई करना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसी के लिए आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सुब्रत का ये चेहरा भी लोगों को पता चल सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।